उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद आजम खान के करीबी पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान ने सोमवार को रामपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने पूर्व सीओ सिटी आले हसन और मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया था। आजम खान के खिलाफ दर्ज कई मुकदमों में पूर्व सीओ आले हसन से अभियुक्त थे। 6 दिसंबर 2016 को गंज थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली, दरोगा फिरोज खान और सीएनडीएस के इंजीनियर परवेज आलम ने डूंगरपुर के अब्रार हुसैन के घर में घुसकर तोड़फोड़ और फायरिंग की थी। इस दौरान जेवरात भी लूटे गए और उनकी जान लेने की भी कोशिश की गई। यही नहीं, घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया था। पुलिस ने मामले में चारों आरोपी आले हसन खान, बरकत अली, फिरोज खान, परवेज आलम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सोमवार को आले हसन खान ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बता दें, पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान के खिलाफ अब तक 40 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इससे पहले अजीम नगर थाने में जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के आरोप में 28 मुकदमे दर्ज हैं। 11 मुकदमे गंज थाने में लोगों के घर तोड़ने और लूटपाट करने के आरोप में दर्ज कराए गए हैं। रामपुर के एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा का कहना है कि घटना पुरानी है, पड़ताल के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।